हमारे कैबिनेट मिनिस्टर आसिम साहब के खिलाफ भ्रष्टाचार की एक बहुत संगीन कंप्लेंट आई है, उसके बेसिस पे हम लोगों ने उसको असेस किया और 24 घंटे के अंदर, कल कंप्लेंट आई थी, रात भर बैठ के हम लोगों ने इसका असेसमेंट किया है और आज हम निर्णय ले रहे हैं कि हम उनको मंत्री पद से हटा रहे हैं। आसिम साहब को, इस कंप्लेंट को सीबीआई को हम रेफर कर रहे हैं और इमरान साहब को उनकी जगह नया मंत्री रखने जा रहे हैं और ये निर्णय बहुत दुख के साथ मुझे लेना पड़ रहा है। कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं हम लोग, लेकिन किसी भी हालत में भ्रष्टाचार हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। भ्रष्टाचार हमारा मंत्री करेगा, बख्शा नहीं जाएगा। भ्रष्टाचार अगर हमारा एमएलए करेगा, बख्शा नहीं जाएगा। भ्रष्टाचार अगर हमारा ऑफिसर करेगा, बख्शा नहीं जाएगा। कल को अगर मेरा बेटा भ्रष्टाचार करेगा, उसे भी नहीं बख्शूंगा। मनीष भ्रष्टाचार करेंगे, उसे नहीं बख्शा जाएगा। और अगर मैं भ्रष्टाचार करूंगा, मनीष मुझे नहीं बख्शेंगे। भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं हो सकता। और यही संदेश हम सारी दिल्ली के, पूरे दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन को देना चाहते हैं, सभी मंत्रियों को, सभी एमएलए को, सभी अफसरों को देना चाहते हैं।